लवली फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा ध्यान से देखिए इस केक को, बहुत ही प्रेशर के साथ मैं इसको दबा रही हूँ, फिर भी ये बिल्कुल अपने शेप पर ही बरकरार है। आई थिंक आप सभी को जो है इंट्रो देखकर ही समझ आ गया होगा ये कितना सही से बना है। तो दोस्तों, घर पे एक बार इसको ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। और एक बात के लिए मैं आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सभी ने जो है मेरे पिछले स्पॉन्ज केक रेसिपी को इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट किया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जो है मेरे इस रेसिपी को भी बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करेंगे। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी सवाल हो ना तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं आपका पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने आई हूँ ये एक्चुअली जापानी स्टाइल में कॉटन चीज़ केक की रेसिपी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दो अंडे लिया है और मैं यहाँ पे व्हाइट और योक ये दोनों को अलग अलग कर रही हूँ। और ये प्रोसेस एक्चुअली ज़रूरी है, क्यों है आपको आगे पता चलेगा। तो अभी मैं, आप देख ही सकते हो, इसको मैं अलग अलग कर रही हूँ। तो अभी मैं एग वाइट को एक इलेक्ट्रिक बीटर के मदद से इसको विस्क करूँगी लगभग 8 से 10 मिनट के जितना। और इसके बीच में मैं अभी इसमें 1/3 कप के करीबन चीनी डालूंगी। और चीनी जो है मैं दो बार में डालूंगी, एक बार में मैं नहीं डालूंगी। तो आप इस प्रोसेस को नॉर्मली जो आपके घर पे हैंड विस्क है उस पर भी आप कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर फोक हो तो फोक से भी आप कर सकते हो। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, और इसमें जो है थोड़ा सा कम टाइम लगता है, इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए, एग वाइट जो है बहुत ही अच्छे से मेरा रेडी हो चुका है, एक भी ड्रॉप इसमें से नहीं गिर रहा है नीचे, मतलब ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है। तो अभी मैं इसमें योक डालूंगी, और देखिए योक को मैं फोक के मदद से जो है थोड़ा सा फेंट लिया है। फिर मैं इसमें इसको मिलाऊंगी, और इसको मिलाने के बाद आपको बहुत देर तक इसको विस्क नहीं करना पड़ेगा, लगभग 30 से 40 सेकंड जितना आप इसको विस्क कीजिएगा तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देख ही सकते हैं ये मेरा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अभी मैं इसमें एक छन्नी के मदद से जो है पहले छन्नी ले लिया है, और उसमें मैं अभी 3/4 कप के जितना मैदा डाल रही हूँ। तो मैदे को मैं छानने के बाद इसमें 1 टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो करो, या फिर ना करने से भी कोई बात नहीं होगा, आपका केक फिर भी जो है बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और ये प्रोसेस देखिए आप लोग जो मैं कर रही हूँ अभी, इसको बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, बहुत जो है आराम आराम से थोड़ा टाइम लेके इसको मिलाइएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो केक जो है स्पॉन्जी बिल्कुल नहीं बनेगा, ये बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो इसीलिए आप इस प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, मतलब जितना इसको टाइम दे सकते हो आप दीजिएगा। और इस प्रोसेस को मैंने करते वक्त लगभग 10 से 15 मिनट मेरा लगा है। तो दूसरे साइड में अभी एक बोल ले लिया है, और इसमें मैंने 1/4 कप मिल्क और उसमें 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल डाला है। और इसको मैं अच्छे से मिलाने के बाद अभी जो बैटर है ना, वो बैटर थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूँगी, यानी कि मिल्क और तेल का जो मिश्रण मैंने अभी बनाया है उसमें मैं इसको डालूँगी। और इसको मैं यहाँ पर डालने के बाद इसको भी है जो थोड़ा सा बहुत ही अच्छे से ध्यान से इसमें मिक्स करूँगी। आप देखिए, देख कर ही आपको पता चलेगा, अगर ज़्यादा यहाँ पे मैं बोलूँगी ना तो आपको समझ में शायद थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो आप इस प्रोसेस को देखते रहिए। तो बैटर को बहुत अच्छे से मिलाने के बाद मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून जितना वेनिला एसेंस डाल रही हूँ, ये डालना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है ना तो आप रॉ पाइनएप्पल जूस या फिर कार्डमम पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हो, लेकिन वेनिला एसेंस से जो है बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आता है केक में, तो इसीलिए वेनिला एसेंस डालना ज़रूरी होता है। तो ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है मेरा, और अभी जो है इसका बैटर का जो आप क्रीमी और एक स्मूथनेस देख सकते हैं उसमें, इसी से पता चलेगा कि ये केक कितना परफेक्ट बनेगा। तो जिसमें मैं केक को बिठाऊंगी उस पैन को मैं ऑयल के मदद से ग्रीस कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने एक पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर आप जो भी कह लो इसको मैं यहाँ पे प्रेस कर दिया है, और उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। तो अभी मैं केक का बैटर इसमें बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र करूँगी, और इसको ट्रांसफ़र करने के बाद मैं उस पैन को बहुत अच्छे से टैप टैप कर दूँगी, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी एयर बबल इसमें हो तो वो ना रहे। तो दूसरे साइड पर मैंने 5 मिनट के लिए हाई हीट में कढ़ाई को गर्म करने के लिए छोड़ दिया था, तो अभी मैं उसी कढ़ाई में केक का बैटर डाल रही हूँ, मतलब वो जो टिन है उसको। तो अभी मैं इसको जो है गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो नहीं करूँगी, पहले तो 5 मिनट इसको हाई फ्लेम में पकाऊँगी, फिर उसको मैं
गैस का फ्लेम को जो है थोड़ा सा लो मीडियम कर दूंगी और इसको मैं लगभग 20 से 35 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो ये देखिए, एक स्टिक के मदद से मैं आपको समझा रही हूँ कि ये जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये बहुत आसानी से बन जाता है, आप सभी को जो है ये देखकर ही पता चल चुका होगा। तो आप अपने घर पे इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छा लगा है, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह मेरे इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए टाटा, मैं मिलती हूँ आप सभी के साथ मेरे नेक्स्ट रेसिपी में।